हेलो यूट्यूब, आज जो मैं स्टिच बना रही हूँ वो उसमें हम पॉलिएस्टर की फिलिंग्स यूज़ करते हैं और ये 3D टाइप होता है। ये देखें, ये पॉलिएस्टर है, 100% पॉलिएस्टर, जो हमारे पिलोज़ में होता है, सोफ़ा कुशन्स में भी होता है, डुवेट्स में भी होता है। तो ये वाला हम लेते हैं क्योंकि ये ड्राई भी हो जाता है, जब हम इससे वॉश करेंगे तो ये ड्राई भी हो जाएगा। इस तरह से ये लूज़ भी मिलता है और ये इसकी शीट्स भी होती हैं। अच्छा, तो आपने इतना सा लेना है इसे, जिस हिसाब का आप बना रहे हैं फ्लावर, ये ऐसे ले लिया और फिर ऐसे, यूँ ऐसे, इस तरह से कर करके आपने इसको ऐसे करना है, ऐसे, और फिर यूँ पकड़ के यूँ इसे आपने मसल देना है, ऐसे। इसको बिल्कुल आपने गोल सा बना लेना है ऐसे कर करके, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये बन गया जितने साइज़ का आपको चाहिए। अगर इसे छोटा चाहिए तो इसमें थोड़ा पॉलिएस्टर यूज़ कर लें, बड़ा चाहिए तो आप इसको इसमें ज़्यादा ले लें। तो इस तरह से आपने ये इसको बना लिया है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, ये देखिए मैंने वाइट धागा लिया है, इसके साथ पहले हम इसे इसके ऊपर लगाएंगे। ये सुई और धागे के साथ हमने इसे यूं जोड़ लेना है। इसमें आप लोगों ने 100% कॉटन बिल्कुल नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आप वो यूज़ करेंगे तो वो वॉश करने से बहुत ज़्यादा वेट हो जाएगी, बहुत गीली हो जाएगी वो, और वो इतनी हैवी हो जाएगी कि फिर वो ड्राई नहीं होगी जल्दी। तो ये पॉलिएस्टर जो होता है ये फ़ौरन ड्राई हो जाता है, जैसे हम कपड़े को वॉश करते हैं, उसे ड्रायर में डालते हैं, उसे ड्राई करते हैं, तो ये भी ड्राई हो जाता है। जो इस तरह से आपने इसे जस्ट, इसका मतलब यही है कि ये कपड़े के साथ जुड़ जाए, तो आपने उतने ही स्टिचेस से लगाने हैं और ये इस तरह से आपने जोड़ने हैं। अब ये देखिए, अब हमने इसके ऊपर साटन स्टिच या स्ट्रेट स्टिच के साथ हमने इसे फिल करना है। अब ये मैंने 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं और ये DMC थ्रेड है। आपके पास कोई सा भी, जो भी आपके पास अवेलेबल थ्रेड है, या इवन कि आप इसके ऊपर वूल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके साथ हम, अगर आपके पास वो एम्ब्रॉयडरी वाली वूल नहीं है तो इसमें, क्योंकि हमें 6 स्ट्रैंड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आप वो जिसके साथ हम स्वेटर बनाते हैं वो वाली वूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको सेपरेट कर रही हूँ ऐसे, ये सेंटर से हम इसे स्टार्ट करते हैं। और यूँ कोशिश करते हैं कि साथ साथ ही एक दूसरे के साथ जुड़ के ये बने। अगर इन केस नहीं भी लगता है, आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इसमें स्पेस आ गई है, तो आप उसको दोबारा से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसे खोलने की कोशिश कर लें आप, ताकि धागे फैले फैले से हो जाए।
ये सेंटर जो है ये आपने सारा इसी तरीके से कर लेना है। जो साइडें हैं वो थोड़ी थोड़ा सा उसे डिफरेंट तरीके से हम फिल करते हैं, क्योंकि अदरवाइज वो क्या होता है कि धागे स्लिप हो जाते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी बहुत जगह पे यूज़ होती है, जैसे आपने अपने स्वेटर्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है तो आप उसके ऊपर भी इसी स्टाइल से ये उभरी उभरी सी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। और आप सीनरीज बहुत अच्छी इससे बनती हैं इस वाले स्टिच के साथ। ये स्टिच तो साटन स्टिच ही है, इस टेक्निक के साथ आप बना सकते हैं। आप साइड जब आ जाती है तो फिर इसका स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, धागा स्लिप हो जाएगा, तो फिर आपने यूँ कोशिश करनी है कि ये इसके ऑलमोस्ट सेंटर से आप गुजार दें ताकि धागा थोड़ा सा स्लिप नहीं हो ऐसे। और अब आप अब बिल्कुल एंड वाला जो है वो हमने इस तरह से करना है, ये वाला जो धागा है इसमें से आप ऐसे गुजार देंगे ताकि वो एंड वाला भी नहीं गिरे धागा और ये वाला भी नहीं नीचे स्लिप हो। यूं सुई के साथ आप धागे को होल्ड करेंगे ऐसे, इस तरह से। आप ये देखें, आप इस तरह से आप इसे यूं कॉम की तरह से कर लेंगे, यूं इस तरह। और अब हम दूसरी साइड शुरू करते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको एक ही लेयर से फिल करना चाह रहे हैं तो एक ही टाइम करें, अगर आपको लगता है कि आप इसे सेकंड टाइम भी करेंगे आप तो आप दूसरी दफ़ा भी इसको और थोड़ा सा हाइट देने के लिए, या आपको लगता है कहीं कहीं से वो नीचे से नज़र आ रहा है या आपसे सही तरीके से फिल नहीं हुआ है तो आप उस जगहों को दोबारा से भी फिल कर सकते हैं बिल्कुल इसी स्टिच के साथ स्ट्रेट। और ये देखिए, आपने यहाँ इसे होल्ड रखना है इसको, अब जैसे लास्ट वन आते हैं तो फिर आपने ये जो पॉलिएस्टर वाला बॉल हमने बनाया इसके अंदर से आपने सुई गुजार दी। फिर इसके थोड़ा सा आगे कर,
अब जैसे यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा ऐसे, तो हम इसको, अगर तो आपने सेकंड टाइम ऊपर से लेयर करना है इसे फिर तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा में करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसे ऊपर से यूं ऐसे कवर करेंगे। इस तरह जहाँ से भी आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें वो नज़र आ रहा है तो आप उसको दोबारा से उसी धागे ऐसे ही इस तरह से कवर करें। देखिए, और ये लीव्स जो है मैंने अभी आपको बना के दिखाती हूँ। ये भी आप साटन स्टिच के साथ भी बना सकते हैं, आप फ्लाई स्टिच के साथ भी बना सकते हैं, और आप ये इस तरह से भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगता है स्टिच। और जब ये आप लोगों ने बॉल्स बनानी है तो आपने कोशिश करना है कि इनका साइज एक जैसा हो। और इसको सेंटर से मैंने भरा है फ्रेंच नॉट के साथ। यूँ इस तरह से आपने फ्रेंच नॉट के साथ से, एक लेयर नहीं है ये, फ्रेंच नॉट की तीन लेयर्स मैंने दी हैं ताकि वो भी उसी तरह से ऊपर की तरफ ऐसे आ जाए। और आप लोगों ने भी इस तरह से फ्रेंच नॉट की तीन लेयर्स देनी, ऐसे बनाया उसके ऊपर से फिर आपने पहले एक लेयर पूरी बना लें, फिर उसके ऊपर दूसरी बना लें, फिर यहाँ पे आपको लग रहा है सेंटर में एक दो और दाने डाल दें इसके, ताकि वो ऊंचा ऊंचा सा वैसा ही हो जाए जैसा कि हमने साइडों पे फ्लावर बनाए।
इसी तरह से आपने, और थोड़ा फ्रेंच नॉट को आपने लूज रखना है। ये देखें, ये मैंने, ये फर्स्ट लेयर है, फिर ये सेकंड है, और ये फिर थर्ड लेयर है। थ्री लेयर्स के साथ मैंने फ्रेंच नॉट दिए और ये सारा मैंने फिल किया है। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।